नमस्कार, आप देख रहे हैं द नगरी न्यूज। मैं हूं आपके साथ सद्दिका मनोहर सोनी। लगातार बारिश और बाढ़ के चलते देश के कई राज्यों में जल स्तर बढ़ गया है। जल स्तर बढ़ने की वजह से मौसमी बीमारियों का रिस्क काफी हद तक बढ़ गया है। ऐसे में एक बार डेंगू नाम की बीमारी ने फिर से दस्तक दी है। अब आप सोच रहे होंगे कि अभी डेंगू कहाँ से आया, चलिए आपको बताते हैं। आमतौर पर बदलते मौसम के कारण कई तरह के अलग अलग इन्फेक्शन और बीमारियां फैल जाती है। मौसम के करवट ले लेने से डेंगू ने एक बार फिर से एंट्री ले ली है। डेंगू बुखार एक कष्टदायक शरीर को दुर्बल करने वाला मच्छर जनित रोग है। यह तब होता है जब वायरस वाला एडिस मच्छर किसी स्वस्थ व्यक्ति को काट लेता है और वायरस व्यक्ति के रक्त प्रवाह के जरिए फैलता है। अब हम आपको बताते हैं कि डेंगू किन किन राज्यों में ज्यादातर फैला हुआ है। सबसे पहले बात कर लेते हैं दिल्ली। दिल्ली डेंगू का अलर्ट घोषित कर दिया गया है। दिल्ली सरकार ने बढ़ते मामलों को देखते हुए अस्पताल को बेड बढ़ाने और स्वास्थ्य विभाग को सतर्क रहने के लिए विशेष निर्देश दिए हैं। यूपी, तमाम जिलों में डेंगू के मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। कानपुर में हर 20वें घर में डेंगू का मच्छर है। मध्य प्रदेश, भोपाल ग्वालियर समेत कई शहरों के लाखों घरों में डेंगू का लार्वा मिला है। बिहार, यहाँ भी डेंगू का खतरा लगातार मंडरा रहा है। कई घरों से डेंगू का लार्वा मिला है। डेंगू के मामलों को रोकने के लिए जागरूकता अभियान भी चलाया जा रहा है। इसके अलावा गुजरात और राजस्थान में भी दिन प्रतिदिन डेंगू के लगातार मामले बढ़ते नजर आ रहे हैं। अब बात करते हैं डेंगू के लक्षण के बारे में। सबसे पहले, आमतौर पर डेंगू बुखार के लक्षणों में एक साधारण बुखार होता है। डेंगू में 104 डिग्री का बुखार होता है। लक्षण जैसे कि सिरदर्द, मांसपेशियों, हड्डियों और जोड़ों में दर्द, जी मचलना, उल्टी होना, आंखों के पीछे दर्द, ग्रंथियों में सूजन और त्वचा पर लाल चकते होना। अब जान लेते हैं डेंगू के कुछ खास उपचार के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं दवाई के बारे में। अगर दवाई की बात करी जाए तो इस बीमारी में टायलेनॉल या पैरासिटामोल जैसी दर्द निवारक दवाएं आमतौर पर रोगियों को दी जाती है। गंभीर डिहाइड्रेशन के मामले में कभी कभी आईवी ड्रिप्स भी प्रदान की जाती है। दूसरा, हाइड्रेट रहे, क्योंकि हमारे शरीर के अधिकांश तरल पदार्थों का उल्टी और तेज बुखार के दौरान हासिल हो जाता है। तरल पदार्थों के लगातार सेवन से सुनिश्चित हो जाता है कि शरीर आसानी से डिहाइड्रेट नहीं होगा। तीसरा, स्वच्छता सबसे ज्यादा जरूरी है, तब तो और भी ज्यादा जब आप स्वस्थ नहीं है। नहाने के लिए उपयोग किए जा रहे पानी में डेटॉल जैसे कीटाणुनाशक तरल की कुछ बूंदें अवश्य मिलाएं, जिससे सभी तरह के कीटाणु आपके शरीर से दूर रहे और आप स्वस्थ रहे। अब बात करते हैं किसी तरह से डेंगू से बचाव किया जाए। इसके लिए हम आपको बताते हैं कुछ खास तरीके। घर के अंदर पानी न जमा होने दें। गमलों, कूलर और रखे हुए टायर में पानी भर जाए तो इसे तुरंत निकाल लें। साफ सफाई का इन दिनों में खास ख्याल रखें। त्वचा को खुला ना छोड़े। अपनी त्वचा की सतहों को ढकने और मच्छर के दंश की संभावना को कम करने के लिए फुल स्लीव्स के कपड़े पहनने की कोशिश करें। डेंगू के मच्छर सुबह या शाम को अत्यधिक सक्रिय होते हैं, इसीलिए ऐसे समय में बाहर निकलने से बचने की कोशिश करें। बदलते मौसम में छोटी मोटी बीमारियों का होना आम होता है, क्योंकि मौसम के साथ आसपास के एनवायरमेंट और टेम्परेचर में काफी बदलाव होते हैं, जिसके कारण गर्मियों के मौसम में टाइफाइड, मलेरिया और डेंगू जैसी बीमारियां उत्पन्न हो जाती है। बीमारियों पर किसी का बस नहीं होता है, लेकिन कुछ सावधानियां बरते, समय समय पर डॉक्टर से इलाज ले और अपना और अपने परिवार का ध्यान रखे। धन्यवाद।